नमस्कार, आप देख रहे हैं राठ न्यूज। मैं आपके साथ रुबिका। जी हां, अलवर जिले के बहरौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भाजपा नेता मोहित यादव पर अज्ञात एक दर्जन से अधिक बदमाशों ने हमला कर दिया और जिसके बाद घायल मोहित यादव को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बड़ौद के समीप बेरापुर की ढाणी के समीप बहरौर जा रहे मोहित यादव की गाड़ी के सामने गाड़ी लगाकर 12 से 13 लोगों ने रोक लिया और उसके बाद उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमलावरों ने गाड़ी के भी शीशे तोड़ दिए हैं और पूर्व मंत्री जसवंत यादव के पुत्र हैं मोहित यादव। मोहित ने बहरौर से भाजपा के टिकट से विधानसभा चुनाव लड़ा था। घटना की सूचना के बाद बहरौर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी हुई है। मोहित यादव ने बताया कि गाड़ी आगे लगाकर रोकने के बाद लाठी डंडे और सरियों से हमला किया है और 12 से 13 लोगों ने हमला किया है। लगातार बने रहिए आप राठ न्यूज के साथ। हम तो जानते नहीं कौन थे, मैं था भी नहीं ना, मोहित जानता। मोहित अकेला आ रहा था गाड़ी में, तो बलजीत जिंदाबाद के नारे लगा रही तो बलजीत ही बता सकता है किन को मारने के लिए भेजा था उसने, किन को हायर किया था, प्रोफेशनली लाया था। क्योंकि आम आदमी तो इस तरह गाड़ी रोड पर लगा नहीं सकता, आम आदमी तो इस तरह के हमले कर नहीं सकता, आम आदमी तो इस तरह के हथियार लेके चल नहीं सकता। ये तो बलजीत बता पाएगा आपको कि बलजीत को कैसे समझ लिया कि मोहित को मारने के बाद क्या वो उसकी गाड़ी राजनीति जिंदा रह जाती, क्या वो किस तरह की राजनीति करना चाहिए, क्या संदेश देना। मोहित मर जाता तो डॉक्टर रसून जिंदा था, मैं भी मर जाता किरण जिंदा थी, उसकी वाइफ जिंदा थी, और हम सब मर जाएंगे तो बहरौर की जनता जिंदा है। मोहित यादव कहाँ कहाँ होने वाली नहीं, मोहित यादव लगी कहाँ कहाँ है, सारे ही शरीर में लगी, कोई भारी चोट है, कोई फ्रैक्चर हुआ है, सारी जगह ही लगी है। अभी एक्सरे करा रहे हैं, पूरे शरीर को तोड़ दिया, वो तो बचा गया, तेज दौड़ पड़ा, पूरी गाड़ी डैमेज कर दी। गाड़ी कोई बात नहीं, गाड़ी डैमेज कर लेते चेतावनी दे जाते, पर उन्होंने तो कहा कि इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे किसी भी कीमत पे। तो मोहित ने बुद्धिमान का काम किया, ये कहा कि वो तोड़ लिया थोड़ा। प्रशासन से रूबरू हुई होगी आपको? सर प्रशासन से कोई उम्मीद कर ही नहीं सकते, प्रशासन तो विधायक की उंगलियों पर नाचता है। ये केस आज हुआ है, प्रशासन लिपापोती कल कर देगा। इस जब तक मैं स्वयं की कुर्बानी नहीं दूंगा तब तक यहाँ के प्रशासन पर असर होने वाला है। ठीक, दो गाड़ियाँ एक साथ में कई लोगों ने देखा है, इधर डिस्कर अपने अजमेर क्या नाम है जागुआ से इस रोड पर गए हैं। अगर उन्होंने नहीं अरेस्ट किया तो अभी तो मैं जाके थाने में आम अनशन पर बैठ, एक बाप के लिए इससे ज़्यादा और कुछ हो नहीं सकता। मुझे अगर आत्मदाह भी करना पड़े, मेरी भी कुर्बानी देनी पड़े तो दूंगा। और ये मेरा